हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल क्रिकेट पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम साइकोलॉजी से संबंधित 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आपको पता होगा कि पार्ट फर्स्ट है वो पहले ही अपलोड हो चुका है, उसमें भी 30 क्वेश्चन थे और इसमें भी 30 क्वेश्चन है। हम इस श्रृंखला में लगभग 1500-2000 क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जिसमें RPSC के जो पुराने पेपर हैं और फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, उसमें से क्वेश्चन और KVS, PRT, PGT, TGT, इनमें जो आते हैं साइकोलॉजी संबंधित क्वेश्चन, उसके अलावा जो रीट के भी अभी तक रीट और RTET के पेपर हो चुके हैं, उनसे संबंधित सभी क्वेश्चन आपको इस चैनल पे उपलब्ध कराए जाएंगे। और इसमें व्याख्या भी की गई है, तो आप वीडियो को ज़रूर लास्ट तक ज़रूर देखें, आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी। चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए, आज हम हिस्ट्री से जो पेपर आया था 9 जनवरी 2020 को, ये पेपर हुआ था RPSC का फर्स्ट ग्रेड के अंदर। अभी RPSC फर्स्ट ग्रेड 2018 की जो परीक्षा थी, जो जनवरी 2020 में हुई थी, तो हिस्ट्री सब्जेक्ट से संबंधित जो 30 क्वेश्चन आए थे वो इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे। तो ये देखिए, आपके सामने पहला क्वेश्चन, शैक्षिक प्रक्रिया में मुख्य तत्व हैं। अब शैक्षिक प्रक्रिया की बात पूछी है इसने, शैक्षिक प्रक्रिया में क्या क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। शैक्षिक प्रक्रिया के अंदर अधिगम के अनुभव भी आते हैं, और टीचर भी आता है, विद्यार्थी भी आता है जो सीखता है, और अधिगम की जो परिस्थितियाँ सब आते हैं। तो इसमें आप ऑप्शन देख लें शुरू से, अधिगमकर्ता, शिक्षक, अधिगम अनुभव, अधिगमकर्ता, शिक्षक और अधिगम प्रक्रिया, अधिगमकर्ता, अधिगम अनुभव, अधिगम प्रक्रिया, अधिगम परिस्थितियां, और चौथा ऑप्शन है अधिगमकर्ता, शिक्षक, अधिगम अनुभव, अधिगम प्रक्रिया और अधिगम परिस्थितियां। तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा, 4 राइट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि शैक्षिक प्रक्रिया के ये सभी तत्व हैं। अधिगमकर्ता भी है, शिक्षक भी होगा, अधिगम के अनुभव भी होंगे, अधिगम की प्रक्रिया भी आएगी और अधिगम की परिस्थितियाँ भी आएगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये एक परिभाषा है कि शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक विधि से प्राप्त किए जाने वाले मानव प्रतिक्रियाओं के उन सिद्धांतों के प्रयोग को प्रस्तुत करता है जो शिक्षण और अधिगम को प्रभावित करते हैं। यह कथन किसका है? सार्वे एंड टेलफोर्ड का, स्किनर का, एलिस क्रो का और क्रो एंड क्रो का। तो दोस्तों, ये कथन है ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट हो जाएगा, एलिस क्रो का ये कथन है, एलिस क्रो का। परिभाषा एक बार फिर देख लें आप कि शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक विधि से प्राप्त किए जाने वाले मानव प्रतिक्रियाओं के उन सिद्धांतों के प्रयोग को प्रस्तुत करता है जो शिक्षण और अधिगम को प्रभावित करते हैं, एलिस क्रो का ये कथन है। उसके बाद करते हैं अगले क्वेश्चन की, उस विधि का नाम बताइए जो भविष्यवाणियों के अतिरिक्त कथन और कारण सिद्धांत पर आधारित है। मतलब भविष्यवाणी के अतिरिक्त कथन और कारण सिद्धांत पर आधारित कौन सी विधि है, उसका नाम इसमें पूछा है। एक है फर्स्ट ऑप्शन है वर्णनात्मक विधि, सहसंबंध विधि, अवलोकन विधि और प्रयोगात्मक विधि। तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, प्रयोगात्मक विधि। प्रयोगात्मक विधि है जो, इसके प्रयोगात्मक विधि के अंतर्गत भविष्यवाणियों के अतिरिक्त कथन और कारण सिद्धांत पर यह आधारित है। फिर अगले क्वेश्चन पे, मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय व्यवहार के विश्लेषण में अवचेतन विचारों, भावनाओं एवं स्मृति पर आधारित है। पहला ऑप्शन है व्यवहारवाद, मनोगतिक, संरचनावाद, सामाजिक सांस्कृतिक वाद। तो दोस्तों, इसके अंदर ऑप्शन नंबर 2 है मनोगतिक सिद्धांत, मनोगतिक ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट हो जाएगा। कि मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय व्यवहार के विश्लेषण में अवचेतन विचारों, भावनाओं और स्मृति पर आधारित है। तो मनोविज्ञान का संप्रदाय है मनोगतिक संप्रदाय, जो व्यवहार के विश्लेषण में अवचेतन विचारों, भावनाओं और स्मृति पर आधारित है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, अधिगम के संज्ञानात्मक क्षेत्र का प्रतिपादन किसने किया था। तो संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत पूछ रहा है इसमें। देखो, क्षेत्र सिद्धांत तो आपको पता होना चाहिए कि क्षेत्र सिद्धांत किसका है, कुर्त लेविन का, ऑप्शन नंबर इसमें 2 हो जाएगा। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, कि किशोरावस्था, एक मिनट, किशोरावस्था वह काल है जिसमें बालक और बालिका मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और शारीरिक रूप से बाल्यावस्था से वयस्कता की ओर बढ़ते हैं। यह कथन किसने कहा है? जीन प्याजे ने, डोरथी रोजर्स, जे ए हेडफील्ड ने और जर्सिल्ड ने। तो दोस्तों, ये कथन है जर्सिल्ड का कथन है। वर्तमान समय में बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है किशोरावस्था से संबंधित। वो दिन बीत गए हैं जब स्टेनले हॉल, बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा स्टेनले हॉल की आती थी किशोरावस्था से संबंधित, लेकिन वर्तमान समय में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई क्वेश्चन है किशोरावस्था से संबंधित, तो जर्सिल्ड की परिभाषा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद होनी ही चाहिए। किशोरावस्था वह काल है जिसमें बालक और बालिका मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और शारीरिक रूप से बाल्यावस्था से वयस्कता की ओर बढ़ते हैं। यह परिभाषा दर्शिल्ड की है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने किशोरावस्था से संबंधित अध्ययन किए हैं। तो किशोरावस्था से सबसे ज़्यादा अध्ययन किए हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आपको पता है सबको, स्टेनले हॉल, ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट हो जाएगा। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है।
यह गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाता है, यह परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है, यह एक सतत प्रक्रिया है, यह परिपक्वता तक चलता है। तो इसमें पूछा है विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ देखना है कि कौन सा कथन मतलब गलत पूछा है या सही पूछा है। सबसे ज़्यादा मतलब आता सब कुछ है लेकिन गलतियाँ यहीं पर होती हैं कि हम पूछा तो होता है असत्य और बता देते हैं सत्य। तो ये गलती हमारे से अब नहीं होनी चाहिए। तो प्रश्न को सोल्व करते समय हमें मतलब अंडरलाइन कर लेना चाहिए उस शब्द को, नहीं है या है, या कथन गलत पूछा है या सत्य पूछा है, इस चीज़ को। तो यहाँ पे कथन गलत है वो मतलब बताना है। तो विकास है वो गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाता है और जीवन के अंतिम पड़ाव तक चलता रहता है। यह परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है। आपको पता होना चाहिए कि विकास विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है और हर बार परिवर्तन होते हैं, प्रगतिशील क्रम है। तो ये बात भी सही है। फिर है यह एक सतत प्रक्रिया है। हाँ, विकास एक सतत प्रक्रिया है जो मतलब गर्भावस्था से और अंतिम पड़ाव तक चलती रहती है। और चौथा ऑप्शन है यह परिपक्वता तक चलता है। दोस्तों यही कथन गलत है, ऑप्शन नंबर 4 इसमें गलत है, क्योंकि परिपक्वता तक तो अभिवृद्धि का विकास होता है। अभिवृद्धि है वो परिपक्वता तक चलती है और विकास है वो जीवन पर्यंत चलता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन, व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है, यह कथन अधिगम के किस सिद्धांत पर आधारित है? शास्त्रीय अनुबंधन, अंतर्दृष्टि, प्रयास एवं त्रुटि और यांत्रिक अनुबंधन। तो इसमें देखो क्वेश्चन आप आराम से पढ़ोगे दो बार तो आपको उत्तर अपने आप मिल जाएगा। व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है, आपको पता होना चाहिए ये सिद्धांत है प्रयास और त्रुटि का, कि इसमें मतलब एक बार गलती करेगा, दो बार गलती करेगा, तीन चार बार, अगर बार बार हम अभ्यास करते रहेंगे तो एक ना एक दिन वो चीज़ वो सीख जाएगा। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत आपको पता होना चाहिए। किसने दिया है? तो ये सिद्धांत थोंडाइक ने दिया था और बिल्ली के ऊपर इन्होंने प्रयोग किए थे। तो थोंडाइक का सिद्धांत था प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, इसमें व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है, इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब असत्य बात पूछनी है, सत्य नहीं है? वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है, शिक्षण एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, अधिगम जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है और विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। तो दोस्तों इसमें मतलब असत्य कथन बताना है। अब हमें मतलब इसमें ज़्यादा उलझने की जरूरत ही नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि विकास है वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रक्रिया है। विकास अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, अभिवृद्धि का मापन किया जाता है, लेकिन विकास का कोई मापन नहीं किया जा सकता। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 है वो राइट हो जाएगा, मतलब ये असत्य कथन है, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, हमारे पाठ स्थूल से प्रारंभ होकर सूक्ष्म में समाप्त होने चाहिए, यह किसने कहा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने, स्पेंसर ने, महात्मा गांधी ने और अरस्तू ने। हमारे पाठ स्थूल से प्रारंभ होकर सूक्ष्म में समाप्त होने चाहिए, यह कथन है स्पेंसर का। स्पेंसर महोदय ने यह कहा है कि हमारे पाठ हैं वो सूक्ष्म मतलब स्थूल से, स्थूल का मतलब होता है वृहत रूप, मतलब विस्तृत रूप होता है वो, से वहाँ से प्रारंभ होकर सूक्ष्म में समाप्त होने चाहिए। अब ये स्थूल से सूक्ष्म की ओर आपको पता होना चाहिए, आगमनात्मक विधि भी इसी सिद्धांत पर आधारित होती है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तो ये कथन है वो स्पेंसर का है। फिर बात करते हैं आगे, एक महत्वपूर्ण अधिगम सिद्धांत यह है कि नई अनुक्रिया का सुदृढ़ीकरण किया जाता है पुनर्बलन द्वारा, विभेदकारी उद्दीपक द्वारा, प्रतिपुष्टि द्वारा और दंड द्वारा। तो इसमें आप मतलब क्वेश्चन एक बार पढ़ने में समझ नहीं आ रहा, तो आपको क्वेश्चन है वो दो तीन बार पढ़ना चाहिए साइकोलॉजी के अंतर्गत, ताकि आप लगभग 60-70% तो क्वेश्चन दो तीन बार पढ़ोगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। भाषा वो थोड़ी मतलब कठिन आती है साइकोलॉजी में। तो ये देखो, महत्वपूर्ण अधिगम सिद्धांत यह है कि नई अनुक्रिया का सुदृढ़ीकरण किया जाता है, मतलब जो अनुक्रिया करते हैं उसका सुदृढ़ीकरण किसके द्वारा होता है? तो आपको पता होना चाहिए पुनर्बलन द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट हो जाएगा। मतलब पुनर्बलन के द्वारा अगर बच्चा कोई मतलब अच्छा कार्य करता है तो हम उसको शाबाश ये नहीं कहते क्या? तो वो उस अनुक्रिया को बार बार करता है और उस अनुक्रिया को वो सीख जाता है, तो अनुक्रिया का सुदृढ़ीकरण किया जाता है पुनर्बलन के द्वारा। पुनर्बलन सिद्धांत होता है, आपको पता होना चाहिए पुनर्बलन सिद्धांत है, वो सबसे पहले सीएल हल ने दिया था और सीएल हल ने ऑप्शन में आए, तो आप स्किनर वाले सिद्धांत को भी पुनर्बलन के अंदर मान सकते हो। फिर बात आती है 106 का क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक थे विलियम जेम्स, जेबी वाटसन, केटल और जीन पेजे। तो संज्ञानात्मक क्षेत्र, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान पूछ रहा है, तो संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का आपको पता होना चाहिए बहुत ईजी क्वेश्चन है, जीन पेजे है, ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट हो जाएगा। फिर बात आती है अगले क्वेश्चन की, अधिगम प्रक्रिया में समस्यात्मक परिस्थिति का प्रत्यय किसने दिया था? मतलब अधिगम के अंतर्गत समस्यात्मक परिस्थिति है वो सबका प्रत्यय किसने दिया था? प्रत्यय का मतलब विचार से है, प्रत्यय अधिगम समस्यात्मक परिस्थिति का विचार है वो किसने दिया था अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत? पहला ऑप्शन है कार्ल रोजर, गिलफोर्ड, कोहलर और स्किनर। दोस्तों इसमें कोहलर है वो आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट है, कोहलर महोदय के द्वारा अधिगम प्रक्रिया में समस्यात्मक परिस्थिति का प्रत्यय है वो कोहलर ने दिया था। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, व्यवहारवाद मनोविज्ञान को बनाता है
व्यवहारवाद है वो मनोविज्ञान को बनाता है, प्रवृत्ति विज्ञान विशेषता और कौशल। तो व्यवहारवाद है वो मनोविज्ञान को विज्ञान बनाता है, विज्ञान व्यवहारवाद मनोविज्ञान को बनाता है एक विज्ञान। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान नियमों का समूह है जो व्यक्ति को स्वयं तथा दूसरों के साथ शांति से रहने के योग्य बनाता है। मतलब मानसिक स्वास्थ्य की एक मतलब डेफिनेशन है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान नियमों का समूह है जो व्यक्ति को स्वयं तथा दूसरे के साथ शांति से रहने के योग्य बनाता है। यह परिभाषा किसने दी है? तो क्रो एंड क्रो, कोल्सनिक, एली शेफर और कुप्पू स्वामी। तो दोस्तों इसमें कोल्सनिक महोदय के द्वारा ये परिभाषा दी गई है, ऑप्शन नंबर थर्ड इसमें राइट हो जाएगा कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान नियमों का समूह है जो व्यक्ति को स्वयं तथा दूसरों के साथ शांति से रहने के योग्य बनाता है। यह कथन कोल्सनिक का है। फिर बात करते हैं आगे। व्यक्तित्व एवं सांस्कृतिक प्रतिरूप नामक पुस्तक किसने लिखी है? व्यक्तित्व तथा सांस्कृतिक प्रतिरूप, एंडरसन ने, जे एस प्लांट ने, एलिस ने और फ्रेंडसन ने। तो दोस्तों इसमें जे एस प्लांट महोदय की ये बुक है व्यक्तित्व एवं सांस्कृतिक प्रतिरूप, व्यक्तित्व एवं सांस्कृतिक प्रतिरूप नामक पुस्तक है वो जे एस प्लांट ने लिखी है। फिर बात करते हैं आगे की। आदतों को किसके माध्यम से अर्जित किया जाता है? पुनरावृत्ति, वंशानुगति, पर्यावरण या वातावरण के द्वारा और संस्कृति। इसमें आदतों की बात की रही है, आदतों की मतलब किसके माध्यम से अर्जित किया जाता है, आदत कब बन जाती है हमारे अंतर्गत। मतलब अगर हम किसी कार्य को बार बार करते हैं, मतलब पुनरावृत्ति, इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा, पुनरावृत्ति के द्वारा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आदत है, आदत का निर्माण ही हम अगर किसी कार्य को बार बार करते हैं तो वो आदत बन जाती है। तो आदतों का है किसके माध्यम से अर्जित की जाती है? पुनरावृत्ति के माध्यम से। फिर बात करते हैं आगे। गोलमेन के अनुसार भावनात्मक बुद्धि के कितने भाग होते हैं? गोलमेन मुद्दे के अनुसार भावनात्मक बुद्धि के कितने भाग होते हैं? 5, 6, 7 और 8। तो गोलमेन महोदय के अनुसार भावनात्मक बुद्धि के भाग हैं वो 5 होते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें राइट है। फिर बात करते हैं आगे कि किसी वस्तु या कार्य से जुड़ी भावनाएं हैं। व्यक्तित्व के संज्ञानात्मक घटक, व्यक्तित्व के भावनात्मक घटक, व्यक्तित्व के क्रियात्मक घटक और व्यक्तित्व के सभी घटक। तो दोस्तों इसमें बात कर रहा है कि भावनाएं, किसी वस्तु या कार्य से जुड़ी भावनाएं पूछ रहा है, तो व्यक्तित्व के भावनात्मक घटक से संबंधित होती हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें राइट हो जाएगा। व्यक्तित्व के भावनात्मक घटक है वो किसी वस्तु या कार्य से जुड़ी भावनाएं होती हैं, और गोलमेन के अनुसार भावनात्मक बुद्धि के घटक हैं वो 5 होते हैं। तो फिर बात करते हैं आगे। संचार पारस्परिकता के मूड में विचारों और भावनाओं का साझा करता है, यह कथन किसने कहा है? संचार पारस्परिकता के मूड में विचारों और भावनाओं का साझा करता है, यह कथन किसका है? जेपी लिगन का, ईजी मेयर, एडगर डेल और कीथ डेविस। तो दोस्तों ये कथन है एडगर डेल का, ऑप्शन नंबर थर्ड इसमें राइट हो जाएगा। ये मतलब परिभाषा है संचार पारस्परिकता के मूड में विचारों और भावनाओं का साझा करता है, यह कथन एडगर डेल महोदय ने दिया था। फिर बात करते हैं शिक्षण में एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल का विकास किसने किया था? ये मतलब एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल वो किसने दिया था? फ्लैंडर ने, जॉन डिवी ने, कार्ल आर रोजर्स ने और डेविड पी असुबेल ने। तो दोस्तों ये जो हमने पहला पार्ट फर्स्ट किया था साइकोलॉजी के संबंधित क्वेश्चन, मतलब मैथ वाला जो पेपर किया था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था कि एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल किसका विकास किसने किया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट हो जाएगा, डेविड पी असुबेल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल का विकास है वो डेविड पी असुबेल ने किया था। फिर बात करते हैं आगे। चार्ट बनाते समय किस सोपान को ध्यान में रखना चाहिए? चार्ट का प्रयोग, चार्ट की सजावट, चार्ट को प्रयोग करने की अवधि और चार्ट की गुणवत्ता। तो इसमें पूछा है कि चार्ट बनाते समय किस सोपान को ध्यान में रखना चाहिए, तो चार्ट का प्रयोग है वो भी ध्यान में रखना चाहिए। मतलब वैसे तो सभी चारों ऑप्शन का ही प्रयोग है वो मतलब ध्यान में रखना चाहिए कि चार्ट का प्रयोग हम कैसे करेंगे, चार्ट की सजावट भी मतलब ठीक ठाक होना चाहिए, सजावट भी होनी चाहिए ताकि बच्चों को समझ में आ सके, ध्यान आकर्षित कर सके। चार्ट को प्रयोग करने की अवधि भी होनी चाहिए कि 5 मिनट यूज करना है, 10 मिनट, 15 मिनट, किस प्रकार हम यूज करेंगे, अवधि का भी मतलब महत्व होता है और चार्ट की गुणवत्ता। अब इसमें चारों ऑप्शन में सबसे ज़्यादा मतलब किस बात का ध्यान रखना चाहिए, तो ये होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, चार्ट की गुणवत्ता। मतलब चार्ट को जिस चीज़ के लिए बनाया गया है उस चीज़ की वो पूर्ति पूरी करे तो चार्ट की गुणवत्ता का अर्थ हो गया है उससे संबंधित। तो चार्ट बनाते समय सबसे ज़्यादा चार्ट की गुणवत्ता को ध्यान में रखना चाहिए, चार्ट है वो अच्छे होना चाहिए और अच्छी उसमें विषय वस्तु होना चाहिए और बच्चों को समझ में आ जाए उस प्रकार से उसकी डिज़ाइन और उस प्रकार से उसको मतलब लिखावट होनी चाहिए। तो चार्ट की गुणवत्ता होनी चाहिए इसमें, ऑप्शन नंबर फोर्थ है वो राइट हो जाएगा। फिर बात करते हैं आगे की। एक शिक्षण प्रतिमान के कितने तत्व होते हैं? 5, 6, 7, 8। तो दोस्तों ये आरपीएससी के द्वारा डिलीट कर दिया गया प्रश्न, ये स्टार लगा दिया इसके ऊपर, आरपीएससी ने इसको डिलीट कर दिया था। शिक्षण प्रतिमान के कितने तत्व होते हैं? 5, 6, 7, 8। फिर बात करते हैं आगे। निम्न में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया के प्रमुख चार तत्वों में सम्मिलित नहीं है?
संप्रेषण प्रक्रिया के प्रमुख चार तत्वों में सम्मिलित नहीं है, माध्यम, संदेश, स्रोत और भाषा। तो इसमें ऑप्शन नंबर चार है, भाषा। तो दोस्तों इसमें आपको टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि आप रिट के सिलेबस में नहीं है, ये एक यूनिट, इसमें लगभग 5 क्वेश्चन आते हैं। तो 5 क्वेश्चन में भी लगभग ये मतलब पूरी ही आउट ऑफ सिलेबस नहीं है रिट के माध्यम से। इसमें आपके मतलब वो शिक्षण सहायक सामग्री है वो ICT का ही भाग था फर्स्ट ग्रेड के अंदर, तो आप में मतलब आउट ऑफ सिलेबस ये 2-4 क्वेश्चन जो कंप्यूटर से संबंधित हैं ये आपके रिट के सिलेबस में नहीं है, तो फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में थे, तो उसको भी हम मतलब इस वीडियो में कर रहे हैं ताकि पूरा 30 क्वेश्चन ही हो जाए। फिर बात करते हैं आगे की, निम्न में से कौन सा इंटरनेट नेटवर्क का घटक नहीं है, प्रोटोकॉल, स्पीकर्स, डेटा और मॉडम। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा, स्पीकर है वो इंटरनेट नेटवर्क का घटक नहीं है। शैक्षिक तकनीकी के मृदुपागम के जनक थे, शैक्षिक तकनीकी के मृदुपागम की बात कर रहा है कि मृदुपागम एक होता है कठोर उपागम, तो मृदुपागम के जनक कौन थे ये बात इसमें पूछ रहा है, B.F. स्किनर, लुम्सडेन, मॉरिसन और ब्लूम। तो मृदुपागम है वो लुम्सडेन इसके जनक थे, इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा, लुम्सडेन। हाँ तो दोस्तों शैक्षिक तकनीकी के मृदुपागम के जनक थे लुम्सडेन। फिर बात करते हैं आगे, 121 का क्वेश्चन है, इस रूप में कंप्यूटर सहाय अधिगम अधिकाधिक प्रयोगी होगा, यांत्रिक वातावरण में प्रशिक्षण देना, समूह अधिगम में, व्यक्तित्व व्यक्तिगत सीखने की गति के साथ अधिगम अनुभव प्रदान करना और शिक्षकों की कमी के समय। तो कंप्यूटर सहाय अधिगम बोल रहा है, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, अब ये चीज़ है वो अधिकाधिक प्रभावी होगा या अधिकाधिक प्रयोगी होगा, ये इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड है वो राइट हो जाएगा, व्यक्तिगत सीखने की गति के साथ अधिगम अनुभव प्रदान करना। मतलब कंप्यूटर सहायक अधिगम ये मतलब जो नवाचारी शिक्षण विधियाँ हैं ना जिसमें आता है कि अभिगर्मित अनुदेशन है, अभिकर्मित अनुदेशन जिसमें राखी रेखीय अभिगर्मित अनुदेशन, शाखीय अभिगर्मित अनुदेशन, एक तीसरा है मैथमेटिक्स या अवरोही अधिगम अनुदेशन। तो दोस्तों इसमें यही बात पूछ रहा है कि वो मतलब किस प्रकार उपयोगी है, तो इसमें बच्चा है वो व्यक्तिगत रूप से सीखता है और अपनी गति के अनुसार सीखता है, अगर वो सही अनुक्रिया करेगा तो आगे वाली स्लाइड आ जाएगी, तो मतलब वो व्यक्तिगत होता है कंप्यूटर सहाय अधिगम और अपनी गति के अनुसार चलता है, बच्चे की गति के अनुसार आगे की स्लाइड है वो आती रहती है। फिर बात करते हैं CCTV का पूरा नाम, क्लोज्ड कॉन्टेक्ट टेलीविज़न, क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न, क्लोज्ड सर्किट ट्रांसमिशन, क्लोज्ड सर्किट ट्रांसलेशन। तो दोस्तों इसमें क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न इसका ऑप्शन नंबर सेकंड है वो राइट हो जाएगा, क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न। फिर बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की, 30वां क्वेश्चन है ये, शिक्षा में शिक्षण मशीन का विकास सबसे पहले किसने किया था, लुम्सडेन ने, ब्लूम ने, SL प्रेसी ने और BF स्किनर ने। तो शिक्षा में शिक्षण मशीन का विकास है वो SL प्रेसी ने किया था, SL प्रेसी ऑप्शन नंबर थर्ड इसमें राइट हो जाएगा, शिक्षण मशीन का विकास है वो SL प्रेसी ने किया था। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है, वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट बॉक्स के अंदर, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको पता है कि आजकल ऐसे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं जो मतलब ये बुक में आपको मिलेंगे नहीं, और ये भी पता नहीं चलेगा कि कहाँ से आ रहे हैं क्योंकि वो परिभाषा अब नहीं आती हैं जो हम मतलब या कोई भी कोचिंग वाले या बुक के अंदर आपको मिलते हैं, रटी रिटाई 5-10 परिभाषा वो आप देख रहे हैं, ना तो उस पेपर में थी ना इस पेपर में आपने ये मतलब परिभाषा पढ़ी होगी कहीं पर। तो दोस्तों इस वीडियो इस चैनल पे आपको साइकोलॉजी संबंधित महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है हम श्रृंखला चला रहे हैं वो लगातार चलती जाएगी और आप अपना मूल्यांकन इससे ज़रूर करें। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।